हमारे को मैं मेरे से कोई मतलब, मेरे तेरे से कोई मतलब, मैं तू से मतलब बन जा ये सब करना, लेकिन हम उसको बिल्कुल नहीं करते। हम उसमें अपने आप को कसे रहते, कसने के बाद ही तो क्या है राम नाम की नैया में बैठ जाते हैं। तो छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से गुरु जी बड़े बड़े प्रारब्ध काटते थे। दो दोस्त थे तो दोनों, एक बहुत संसार में लगा हुआ था, एक बहुत भगवान में, उसकी थोड़ी रुचि थी आध्यात्मिकता की ओर, तो दोनों अपनी अपनी तरफ खींचते थे एक दूसरे को। एक बारी क्या हुआ कि दोनों को कहीं पार्टी में बढ़िया उसमें जाना था, मतलब रशिया का नाच वाच देखने, तो जो संसार में रुचि रखने वाला था वो खींच रहा था, इसका मन भी खींच रहा था कि मैं भी चला जाऊं। लेकिन क्या हुआ कि वो अपने संस्कारों के कारण ही मजबूर होके वो चला गया पंडित जी की कथा सुनने, राम सत्य नारायण कथा चल रही थी, जो भी चल रही थी या सत्संग। तो वो वहां बैठा था, पंडित जी सुना रहे थे, तो उसके मन में बड़ा आ रहा था कि मैं यहाँ आ गया और देखो मेरा दोस्त तो वहां मजे ले रहा होगा। जो वहां मजे ले रहा था वो ये सोच रहा था कि मैं यहाँ आ गया और देखो मेरा दोस्त तो ना अच्छा है, अच्छी सोच वाला है, ये तो भगवान की तरफ लगा हुआ, और मेरे को लोभ ने जो है ना आकर्षण ने क्या किया यहाँ बांध दिया। दोनों की मानसिक दशा अलग अलग थी, जबकि दोनों अपनी अपनी जगह पर थे। तो जब वो लौट रहा था तो उसको जो संसार में रमा करने वाला था, जब वो लौट रहा था तो उसको एक मोहर मिली रास्ते में, और जो वो था पंडित की कथा सुन के आ रहा था उसको जो है ना चोट लग गई, तो थोड़ा सा शक उसको आ गया, ये चोट मुझे कैसे लग गई, मैं तो भगवान की कथा सुन रहा था और ये तो गलत कर्म करके आ रहा था, उसके बाद भी इसको मिल गई मोहर। तो उस तक का स्मरण निवारण करने के लिए वो गए किसी के पास, किसके पास, सत्संगी के पास गए, तो ज्योतिषी के पास गए थे। हाँ, तो ज्योतिषी ने कहा कि इसके आज के कर्म के कारण इसको पिछले कर्म के कारण आज राजा होना था, जो इसे सिर्फ एक मोहर से अपना वो करना पड़ा, अपने आप को संतोष कर देना पड़ा, ये पिछले कर्मों के कारण जो है ना इसको आज राजा होना था। और दूसरे का कहा कि इसको जो है आज इसकी मृत्यु थी, इसको लेकिन छोटा सा कांटा जब के ही इसकी मृत्यु खत्म हो गई। तब समझ में आया कि वर्तमान के कर्म बहुत ज्यादा मायने रखते हैं हमारे आपके लिए, कि हम कहाँ रमण कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये सब जो है हमारे पिछले प्रारब्ध को काटने में बड़ी मदद करते हैं। जैसे एक जेल में चला जाता है अपने कर्म के कारण ही तो व्यक्ति जेल में जाता है, तो जेल में जाने के बाद क्या होता है कि उसके अच्छे आचरण के कारण वर्तमान के उसकी सजा थोड़ी थोड़ी कम कर दी जाती है। ये एक प्रावधान है। और अगर उस पीरियड में कोई 15 अगस्त या 26 जनवरी या कोई भी ऐसा कोई भी वो होता है महोत्सव, तो उसमें अगर कोई विशेष VIP पर्सन चला जाता है जेल में, तो वो पता करता है और अपने प्रभाव के कारण
अपनी जो उसकी कहना चाहिए जो उसके अधिकार हैं उनका प्रयोग वहां पे करके उस सजा उसके अच्छे आचरण के कारण उसे सजा से मुक्त भी कर देते। ये सुनी सुन मतलब पढ़ते थे जब कुछ कुछ तो इन सब बातें सुनते थे, आज समझ में आती है, हमेशा से समझ में, जब से गुरु जी के पास आए तब से ये सब बातें समझ में आती है कि हमारे छोटे छोटे बड़े बड़े प्रारब्ध गुरु जी बड़े छोटे छोटे माध्यम से काटते, छोटे छोटे मान अपमान में काट देते हैं, छोटी छोटी घटनाक्रम में काट देते हैं, छोटी छोटी चोट लगने के माध्यम से काट देते हैं, छोटे छोटे नुकसान के माध्यम से काटते हैं, बड़े बड़े प्रारब्ध। पर इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वर्तमान में हम एक ख्याली से काटे, ये भी ज्ञान नहीं करे हम सजगता से गुरु की विचार से और पूर्ण होश में रहे कर्म करते हैं कि गुरु जी हमसे क्या चाहे, तो गुरु जी फिर हमारे साथ हो हर भक्त के साथ, हर भक्त के साथ। ये बहुत ही ऐसा प्यारा दरबार है, ऐसा ऊंचा दरबार है, हमने तो दूसरा भजन निकाल के रखा था कि हम दूसरा भजन गाएंगे जो सच बात, लेकिन मेरी खांसी आने लगी तो मैं लोगों से कहा सुनवाई तुम लोग भजन करो, तुम सुनाओ भजन। इन्होंने सुनाया तो जैसे कपाट खुलते गए सब अंदर के और सत्य के इस दरबार की बोले एक और मील का पत्थर साबित होता रहता है हर समय। ये दरबार बहुत ऊंचा है सच में, इस दरबार में जन्म जन्म के हमारे कर्म काट रहे हैं गुरु जी, अगर हम उनके विचार से चल रहे तो पाल ना वाका कर सके जो जग भैर। लेकिन शर्त है हम बस गुरु के साये में पल रहे, साये में पलने का अर्थ है गुरु के विचार से अपने जीवन को जी रहे, अपने मन के विचार से नहीं, अपने मन के विचार से ना बोली बोलने ना अपने मन कुछ ना करें, सिर्फ गुरु के विचार से। तो बोलने का बहुत मन होता है लेकिन कैसी वाणी बोलनी है, संयमित बोलनी है। सब तरह का ध्यान रखना पड़ता है और भक्ति ही सजगता में रहता है, जो भक्त नहीं होते तो गाफिल रहते हैं क्योंकि वो तो देह में ही गाफिल रहे, देह बुद्धि से ही सब काम करते रहते हैं, विवेक का इस्तेमाल करे बिना वो गाफिल हो। ये गफलत की जगह नहीं है, यहाँ सजगता हटी की दुर्घटना घटी, सजगता का ही हर समय बोले ये सब गुरु जी ने हम लोगों को, एक जगह जाओ तो वहां बॉस जो है ना बहुत डांटता है, अब ये मोल का केस था तो उसमें भी देखते थे बहुत, कभी कभी घबरा जाता था वो, कभी कभी है कि मैं क्या कर लू, लेकिन क्या समझाया जाता था, यही समझाया जाता था नहीं तो कह रहा है वो कहीं ना कहीं चढ़ा रहा है, संभाल रहा है हमें, हमारे अंदर मादा ला रहा है कि हम मान अपमान सह के भी सही कर्म कर सके। ये गुरु जी ने हम लोगों को सिखाया, नहीं तो अपमान हुआ हमने कर्म करना ही छोड़ दिया, मान हुआ तो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये सब था अपमान हुआ तो ले अभी पानी देना भी भूल गए बच्चे को, जो है ना अपमान के मारे खाना पीना देना भूल जाते थे, कह कही की अम्मा बन जाते थे, बन के अपने कमरे में चले जाते थे, ये सब हम लोग बहुत करते थे। लेकिन गुरु जी के कारण, गुरु जी की सीख के कारण सब बातों से अपने आप को रोका हम लोगों ने, सब बात रोक, ऐसा नहीं कि कोई एक रोक, सब रोकते और रोक रोक के विवेक से चलते हैं। तो ये अभ्यास ही तो है, इसीलिए शायद इतना सांसद कोटे में देख के भेजा है, ये अभ्यास अभी हो सकता है, मनुष्य तन में ही अभ्यास हो सकता है, बाकी और योनियों में तो भोग है कुछ नहीं, सिर्फ भोग है, भोग ना हमारी आपकी नियति है। तभी बोले एक छोटे से कीट को मारो तो तुरंत देखा भी है मुक्त हो गया, कहते ना मुक्त हो गया, ये जब
तो राधा कृष्ण देख रहे, तो उसमें भी शुरुआत में ही छुआ तो वो खत्म हो गई। तो खत्म होने के बाद क्या किया, वो एक लड़की बन गई। तो ये क्या हुआ, उसको मनुष्य जन्म मिल गया। पशु योनि से निकलती, कीट पतंग की योनि से निकलता गया वो। तो उसने कहा मैं ऐसे भोग रहा उस, लेकिन धीरे धीरे निकलता जाता है। तो कह रही मर गया, क्या हुआ, लेकिन मनुष्य मर जाए तो कुछ नहीं रह जाए, फिर तो भोग योनियों में जाने ही जाना है। तो मनुष्य जिंदा है और अभी भी सांसें हम लोगों की हैं, इससे बड़ा सौगात कुछ नहीं है हम लोगों की। इस सौगात का हम लाभ कितना लेते हैं ये हमारे अपने अपने हाथों में बचाइए, दूसरे के हाथ में नहीं है, दूसरे के कारण कुछ नहीं है, सब अपने कारण। कि हम अपने संयम को बरकरार रखें, हम गुरु जी को ही सब जगह प्रकट करके अपने संयम को ना खोएं। हम जो हमारा रोल इस देह में जो भी जिसका है, उस देह के रोल को बखूबी निभाएं, ताकि हमारा शॉट एक ही झटके में ओके हो जाए, बार बार रीटेक ना हो। रीटेक होता है तब तक डायरेक्टर वो शॉट बार बार लाएगा, लोग बदलते जाएंगे लेकिन शॉट वही होगा। तो हम कहते नहीं, अरे हम तो पहले हमारे बाप थे, फिर हमारे पति हुए, फिर हमारे ससुर हुए, फिर हमारे बेटे हुए, फिर हमारे ये हुए, ऐसे हम बोलते हैं, लेकिन पात्र बदलते जा रहे हैं, हमारा रोल ही नहीं, रीटेक खत्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि शॉट ही हमारा ओके नहीं हो रहा है। दोष देते जाएंगे हमारी किस्मत में, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं, जरूर सोचना पड़ेगा हमको, ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम ही लोग तो गुरु जी से ज्ञान दे रहे हैं, हम ही लोगों को साधना है। जितना जितना साध लें तो उतना उतना साधुवाद में आ जाए। इंद्रियों को साध कर कर्म करना ये बहुत जरूरी है। हर वक्त बोले तीर है, वाणी से बोल दो तीर निकल गया, सोचा दशा है आगे फलित होएगा, क्रिया करी तो आइएगा ना। तो तीनों तरह से तो कर्म हो रहे हैं, तो तीनों तरह के कर्म में कहां सजगता है, जरूर हम सबको सोचना पड़ता है। और सोचे बिना अगर हम बस ऐसे ही चल रहे हैं उड़े हुए तो गड़बड़ है, क्योंकि ज्ञान हम सबके पास है। थोड़े जो जिनको ये ज्ञान मिला नहीं है उनके लिए माफी है एक बार, क्योंकि वो ज्ञान ही है, जानते ही नहीं, लेकिन हमको लोगों को तो ये ज्ञान मिल चुका है कि हमारे कर्म का ही फल हमें मिल रहा है, दूसरे के कर्म का हमें नहीं फल मिल रहा है। गुरु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, गुरु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, गुरु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, तुम ही मेरे सेठ हो, तुम ही सावकार हो, तुम ही मेरे सेठ हो, तुम ही सावकार हो, ब्याजों पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याजों पे ब्याज मत जोड़ना, गुरु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, गुरु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना,
लागे लगन मत छोड़ना, लागे लगन मत छोड़ना गुरु जी मेरी, लागे लगन मत छोड़ना गुरु जी मेरी, लागे लगन मत छोड़ना। हरी नदिया नाव पुरानी, हरी नदिया नाव पुरानी, बीच बावर मत छोड़ना, बीच बावर मत छोड़ना गुरु जी तेरी, लागी लगन मत छोड़, गुरु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना गुरु जी मेरी, लागी लगन मत छोड़ना गुरु जी मेरी, लागी लगन मत छोड़ना। मेरे तो गुरु जी भगवन, मेरे तो बस गुरु जी भगवन, आहा पकड़ मत छोड़ना, बाहा पकड़ मत छोड़ना गुरु जी मेरी, लागी लगन मत छोड़ना गुरु जी मेरी, लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना। गुरु जी से यही प्रार्थना होनी चाहिए, हम लोगों की लगन लगी है और हम लोगों को भव पार करें। ज्ञान मन के लिए है, हमारे आपके लिए नहीं है, सिर्फ मन के लिए। और मन के लिए ज्ञान हम सब के लिए है कि अपने को संभालें, हम सब अपनी इंद्रियों को संभालें, इतना ही पुरुषार्थ हम कर सकते हैं, बस इसके अलावा हमारे हाथ में और कुछ नहीं। और जब इंद्रियों को समझे गुरु के विचार से, तो अपना रोल हम जब सही कर, तो क्या होता है कि गुरु जी हमको शक्ति देते हैं, हमारे अंदर विवेक जागृत करके हमें अंदर में जो है ना, हमारे अंदर के द्वार खोलते हैं। नौ द्वार तो खुले हैं, दसम द्वार तो नाम नाम का खुला है, उसके खोलने की तरफ ही वो हम लोगों को ले जा रहे हैं। रीझ रीझ के वो रीझते हैं तो वो खुलता है, उनकी कृपा की नजर। जैसे कहते हैं वो द्वार खुलना था, जैसे खुल जा सिमसिम से ये बोलना था, ऐसे ही गुरु जी की कृपा की नजर से ही वो द्वार अंदर का खुलेगा, बिना इसके किसी का नहीं खुलने वाला। अपने कर्मों से हमारा आपका वो नहीं खुलता है, सिर्फ गुरु की कृपा, गुरु के विचार से अपने आप को चलाने से, साधने से, पद की मर्यादा से बातचीत करने से। एक रिक्शे वाले को भी गुरु जी ने कहा, कैसे बोलो हम लोगों को गुरु जी ने बड़ा है, तो तुमको उसे कैसे तुम करके बोल रही हो, तुम ऐसा करो, दिखाई नहीं दे रहा, बाबा है तुमसे बुजुर्ग है, तुम्हारे बाप के बराबर, दादा के बराबर है। एक गुरु जी ने हम लोग को शिक्षा दी। आज देखो तो बच्चे जो भी थोड़े से एजुकेटेड होते हैं, तो वो जो आंटी बोलेंगे या बड़ा होगा तो कहेंगे काका या कुछ बोलते ही, अपने जो काम करने वाले होते हैं उनसे भी संबोधन अच्छा रखते हैं, अच्छा करके बोलते हैं, वाणी को संयमित करते, तो ये बोले ये सब गुरु जी ने हम लोगों को मन के लिए जो ज्ञान दिया है, तो वो सिर्फ बातों वाला ज्ञान थोड़ा ना दिया है, वहां साधना तो पड़ेगा ही हम सबको, अपने रोल को हमें बहुत अच्छा करना है, अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए कि हम किस रोल में हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, सबका ध्यान रखना पड़ता है हम लोग। अगर उस
हम नहीं काम करें उस तरह से तो घटनाक्रम तो निकल जाएगी, लेकिन हम गुरु जी की नजर से पीछे हो जाते हैं। हम सच कह रहे हैं, ये हो जाता है, घटनाक्रम तो निकल जाती है। अभी हमारे सत्य से हुई जहां हम गए थे, तो मुझे लगा कि मेरा रोल क्या होना चाहिए, क्योंकि हम गुरु जी के भक्त हैं, मेरा रोल तो दूसरा होना चाहिए। मेरा रोल ये पक्ष इसलिए ऐसा बोल रहा है, हम इस पक्ष में इस तरह से नहीं कि हम आए हैं शादी में तो यही पक्ष मेरा है, ऐसा दूसरे का क्या पक्ष उस तरह से। वो भी तो अपना ही है, वो भी तो गुरु का बंध है, भगवान की सृष्टि में आया है तो आत्मा है ना, वो भी तो जीव आत्मा ही है, अविनाशी है, उसके भी तो मान मर्यादा सब है। तो इस तरह से ही जब ध्यान किया तभी अपने उस रोल को ओके कर पाए थे, अदरवाइज नहीं कर सकते थे। लेकिन ध्यान करना पड़ा, याद इतने अभ्यास के बाद भी याद करना पड़ा दिमाग में, इतने अभ्यास की जरूरत हम सबको। हम तो लोग तो घेस रहे हैं 40-50 साल, 40 साल तो बढ़ गए होंगे, 18 साल के थे गुरु जी मिले थे, आज 67 के हो रहा है, ठीक है देखो आज भी अभ्यास है। जब घटना कम घटती है मन मेरे की तो कहीं ना कहीं डावा डोल मन होता है। ये सुनिश्चित किया महाभारत के कथा के माध्यम से, कोई दोनों को भी करना है, अपनी जीत ही तो सुनिश्चित करनी है। लेकिन प्रश्न रूपी गुरु हमारे पास है, यह मनमति वाला अपना गुरु है हमारे पास, ये हम सबको देखना पड़ता है। ये सब अपने एक्टिंग का मामला, इसमें किसी की जरूरत नहीं है, विचार करना हर समय। ये हमको तुमको नहीं मालूम, वो तो गुरु जी को मालूम है, हम उनके हैं, सृष्टि उनकी है, तो फिर काहे का डर। हम उनके सृष्टि उनकी, वर्तमान में हमें अपने आप को संभालना है, बस उन्हें देख कर ही तो संभल पाएंगे। हम देखेंगे तो हमारे को मिलेंगे, तुम देखोगे तो तुम्हारे को मिलेंगे, उसका फल सबका अपना अपना है ना। बड़ा अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा है, बड़े नीचे हैं हम गुरु जी के, कोई नीचे न लीजिए हम भी।